उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग। उद्धव ने कंगना पर साधा निशाना, कंगना ने किया पलटवार। उद्धव ने हिमाचल प्रदेश को किया बदनाम, जिसे सुनकर कंगना हुई आग बबूला। कंगना ने सोशल मीडिया पर उद्धव की धजिया उड़ाई, उद्धव की कुर्सी और उनके औहदे को बेइज्जत किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 अक्टूबर को हुए दशहरा रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा। न्याय के लिए चिल्लाने वालों ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए, मुंबई पीओके है, वह हर जगह ड्रग एडिक्ट है, वे इस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं, हम गांजा नहीं तुलसी उगाते हैं, गांजे के खेत आपके राज्य में है, लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं और मुंबई को बदनाम करते हैं, वो कहते हैं कि मुंबई पीओके बन गया, तो ये प्रधानमंत्री का अपमान है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पीओके को भारत में मिलाएंगे, 6 साल हो गए, इसलिए ये उनकी विफलता है। वही उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर हुए विवाद का भी जिक्र किया। उद्धव ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा, आज हम 10 सिर वाले रावण को जलाते हैं, एक रावण का सिर मुंबई को पीओके बताया है। दरअसल कंगना ने शिवसेना की ओर से मिल रही धमकियों को लेकर मुंबई की तुलना पीओके से की थी। उद्धव की ओर से दिए गए स्टेटमेंट्स पर अब कंगना ने जबरदस्त पलटवार किया है, बैक टू बैक ट्वीट्स कर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। पहले ट्वीट में कंगना ने उद्धव के आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री आप एक बहुत ही शूद्र व्यक्ति हैं। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, यह अधिकतर मंदिर हैं, जिनमें कोई शून्य अपराध दर भी नहीं है। हाँ, यह बहुत उपजाऊ भूमि है, यहाँ सब सेब, कीवी, अनार, स्ट्रॉबेरी उगाते हैं, यहाँ कुछ भी उग सकता है। आप एक ऐसे नेता है जो एक ऐसे तामसिक, रसिक और बीमार विचार एक राज्य के बारे में रखते हैं, जो भगवान शिव और माँ पार्वती के निवास स्थान के साथ साथ मार्कंडे और मनु ऋषि जैसे कई महान संतों का घर रहा है। पांडवों ने हिमाचल के प्रदेश में अपने निर्वासन का बड़ा हिस्सा बिताया। आपको अपने आप को मुख्यमंत्री होने पर शर्म आनी चाहिए। एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आप शूद्र झगड़ों में लिप्त हैं। अपनी शक्ति का उपयोग करके अपमान और क्षति कर रहे हैं जो आपके साथ सहमत नहीं है। आप उस कुर्सी के लायक नहीं है जिसे आपने गंदी राजनीति खेलकर हासिल किया है, शर्मानी चाहिए। मैं एक काम कर रहे सीएम द्वारा इस ओपन बुलिंग पर ओवरवेल्म्ड हूँ, इसलिए पहले ट्वीट में एक टाइपो है, या हिमाचल में कोई अपराध नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अमीर या बहुत गरीब लोग या हिमाचल में कोई अपराध नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जगह है, बहुत ही मासूम और दयालु लोग रहते हैं। एक कार्यशाली सीएम की दृष्टा को देखिए, वो देश को विभाजित कर रहा है, जिसने उसे महाराष्ट्र का ठेकेदार बनाया है, वो सिर्फ एक लोक सेवक है, उसके पहले कोई और था, जल्दी वो बाहर होगा और कोई अन्य व्यक्ति राज्य की सेवा में आएगा। वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है जैसे वो महाराष्ट्र का मालिक हो? जैसे हिमाचल की सुंदरता हर भारतीय है, वैसे ही मुंबई में मिलने वाला हर अवसर हम सभी का है, दोनों ही घर मेरे है। उद्धव ठाकरे, आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने और हमें विभाजित करने की हिम्मत ना करें। आपके गंदे भाषण तुम्हारे अक्षमता का एक अश्लील प्रदर्शन है। वेल, उद्धव के भाषण से कंगना काफी निराश है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के चरित्र को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बेइज्जत कर दिया। कंगना ने उद्धव पर हमला बोला है। इस पर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।